नमस्कार साथियों, नमस्कार साथियों, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार साथियों, मैं प्रोमिला कश्यप, डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप मैनेजर अमूल्या हब प्राइवेट लिमिटेड से आपका स्वागत करती हूं आज के स्पेशल प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई मतलब डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर्स डे के तरह से। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्सर हमने सुना है कि जो डॉक्टर्स हैं वो भगवान का रूप होते हैं, और अगर भगवान का रूप होते हैं, हमने ये सब हमेशा सुना है, लेकिन रोमिला जी, आपके पास में रिक्वेस्ट आ रही है, प्लीज अपने आप पॉइंट कर लीजिए। साथियों, मैं माफी चाहती हूँ, इंटरनेट की वजह से कनेक्शन कट हो गया था। जैसे कि मैं आज आपको बता रही थी कि जो आज डॉक्टर डे है, 1 जुलाई है, पूरे विश्व में ये डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। जब भी हम डॉक्टर्स का नाम सुनते हैं, हमारे मन से उनके लिए एक आदर भावना निकलती है। हमने अक्सर सुना है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और कहीं ना कहीं डॉक्टर ने ये सब चीजें साबित भी की है। अभी जैसे हम इस पेंडेमिक सिचुएशन में गुजर रहे थे, कोरोना में, जब हम सभी अपने घर पे बैठे थे, तब डॉक्टरों ने आगे बढ़कर निस्वार्थ मन से जो देश के लिए उनका कर्तव्य था वो पूरा किया, और निस्वार्थ भाव से उन्होंने हम सभी की सेवा की। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मनीष मारवा जी को बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, डॉक्टर मनीष मारवा जी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के दिन की सभी डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं। जैसे प्रोमिला जी बता रहे थे कि इस पैंडेमिक टाइम में जिस तरह से हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी संभाला सिचुएशंस को, और लाखों लाखों लोगों को मुसीबत से निकाला, तो मेरे हिसाब से तो ईश्वर का प्रतिरूप अगर पृथ्वी पे कोई है तो वो डॉक्टर्स ही हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर्स आज अमूल्य के इन उत्पादों को जन जन तक पहुंचाने में बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आप अपने प्रोफेशन के अनुरूप ही इस समाज की, इस पृथ्वी पर सभी लोगों की आप सेवा करेंगे, और हमें हर तरह की मुसीबतों से, स्वास्थ्य को लेकर हमारे शरीर पर मुसीबत आती है, उस सब से हमें छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। सो साथियों, एक बार फिर से इस डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन प्रणाम। थैंक यू डॉक्टर्स फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। आज का दिन हमारे लिए एक और ट्रेनिंग का दिन भी है, जहां पर हम आज टेक्निकल ट्रेनिंग्स के ऊपर बात करेंगे, आज अपने प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। डॉक्टर साहब से डॉक्टर रेखा, डॉक्टर शशि आज हमारे बीच में रहेंगे, लेकिन इससे पहले जो आज हमारा एक नया प्रोडक्ट है IU64, जिसका सभी को इंतजार था, और जैसे ही वो प्रोडक्ट आया हम सब ने उसको बहुत बड़ी मात्रा में परचेज करा। मुझे बताते हुए खुशी भी है और फक्र भी है कि फैक्ट्री को हमें कई दिन तक 24 आवर्स के लिए चलाना पड़ा, मींस
पूरे दिन में जो प्रोडक्शन होती थी रात को हम उसको पैकिंग करवाते थे और ताकि अगले दिन के लिए हम उसको कोरियर कर पाएं। तो ऐसे बहुत सारी यादें हैं इस IU64 के साथ हमारी लगी हुई। पूरी फैक्ट्री की टीम ने दिन रात मेहनत करके काम करा, हालांकि शुरू में काफी सारी टेक्निकल इश्यूज भी आए हमें, पर लेकिन वो सब चीजों को पार करते हुए आप तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में कामयाब रहे। अभी मैं देख रहा था बहुत सारी स्टेट्स इस प्रोडक्ट को परचेज करने के टेंडर्स निकाल रही हैं, ताकि क्योंकि ये कोविड में एक थेरापेटिक मेडिसन है, और जो एक घर में हमारे यहाँ पर एक जो एक मेडिकल किट होती है, एक जनरली हम लोग एक बॉक्स रखते हैं, मेडिकल बॉक्स रखते हैं अपने घर में, जिसमें छोटे छोटे चीजें, डिटॉल हो गया, पट्टियां हो गई, एक एंटीसेप्टिक क्रीम हो गई, कुछ एसेंशियल मेडिसिन हो गई जिसमें पैरासिटामोल है, एक दो चीजें और। तो उसमें उस एसेंशियल किट में मुझे लगता है कि IU64 को भी हम अपनी किट में शामिल करके रखें, क्योंकि ये खाली कोविड में काम आने वाला प्रोडक्ट नहीं है। जैसे अभी मौसम बदल रहा है, हमने देखा है कि बहुत सारे एरिया में बारिश शुरू शुरू हो गई है, और मेडिकल टर्म में बोले तो एक मेडिकल के लिए एक सीजन शुरू हो जाता है, मींस बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं इस बारिश के बाद। इस उमस भरे मौसम में बहुत सारे फ्लू, वायरल इन्फेक्शंस, मच्छरों की तादाद बढ़ती है, तो मलेरिया के केसेस पूरे दुनिया में फैलते हैं, डेंगू बुखार, तो ऐसे ढेरों तरह के जो फ्लू बेस्ड बुखार हैं, जो वायरस से बुखार आते हैं, ये सभी बुखारों में काम करने वाली मेडिसिन ही है। कोविड में विशेष रूप से सरकार ने इसको मान्यता दी है, क्योंकि उन्होंने इसको देश के 9 अग्रणी इंस्टीट्यूट्स के अंदर, सरकारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इसको उन्होंने कोविड के मरीजों पे टेस्ट करा, और उन्होंने पाया कि इसके प्रभावी रिजल्ट्स हैं, इसके रिजल्ट्स उन्होंने दिखे। तो आपको अगर, या आपके किसी साथी को या आपके जानने वाले को अगर कभी कोई बुखार आता है या उसको सिम्टम्स नजर आते हैं, बुखार जैसे, फ्लू जैसे, या कोविड के सिम्टम नजर आते हैं, तो अभी आपकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं भी है, आप इसका सेवन जरूर शुरू कर दें या करवा दें। इसको 20 दिन तक लगातार लेना चाहिए, इवन कि बुखार उतर गया तब भी इसको 20 दिन तक ले, ऐसा रिपोर्ट में हमें बताया गया है सरकार की। अगर आप या आपके आसपास के जो लोग हैं वो माइल्ड हैं, असिम्टमेटिक हैं, तो उस केस में आप दो गोलियां सुबह और दो शाम लें। अगर मॉडरेट है आपको तो ये 6 ले लीजिए, 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम, तो ये इसकी डोज है। ये बच्चों के लिए भी सुरक्षित है, इसमें डोज आधा कर दीजिए बच्चों के लिए, तो ये बच्चों के लिए भी सुरक्षित है, बड़ों के लिए भी सुरक्षित है, और इसको आप अपने घर में एक एसेंशियल किट के रूप में इसको जरूर अपने पास में रखें। मैंने आपको बताया कि ये खाली कोविड नहीं बल्कि बहुत सारे बुखारों में भी काम आने वाली है। तो इसके बाद आज का जो टेक्निकल सेशन है, आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर रेखा कि आज वो जो प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं आपको बताने के लिए, आप उसको ध्यान से सुने, और इन सब चीजों को मुझे लगता है कि आपको नोट भी करना चाहिए अपनी कॉपी के ऊपर, ताकि फ्यूचर में जब आपको कोई चीज रेफर करनी हो तो वहां से आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत गहरी जानकारियां डॉक्टर साहब देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको इस डॉक्टर्स डे पे जरूर पसंद आएगा। आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर रेखा, प्लीज आप आज के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर चर्चा करें, और फिर बाद में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। हमें कुछ क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं, और अगर आप लाइव, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कर दें, हम कोशिश करेंगे कि आपका उत्तर जो है इसी सेशन में दें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग अस। आई वुड रिक्वेस्ट नाउ डॉक्टर रेखा, प्लीज कंटिन्यू विद योर टेक्निकल। थैंक यू। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? सभी को क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी डॉक्टर, ठीक है सर, सुन रहे हैं।
थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाइयां देना चाहूंगी आज के दिन की। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल ऑफ यू। एक डॉक्टर जो होता है वो धरती पे भगवान नहीं होता, पर भगवान का एक दूसरा रूप होता है। माँ के बाद दूसरा रूप, भगवान के बाद दूसरा रूप डॉक्टर को दिया जाता है, क्योंकि वो इंसान को बचाने के लिए एक तरह से भगवान ने अपना एक हथियार हमें बना के भेजा है। तो इसी सब चीजों को चलते मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि कुछ डॉक्टर्स इन चीजों का गलत फायदा भी उठाते हैं। तो हम सभी को लोगों की मदद करने के लिए बनाया है, लोगों को विश्वास जीतने के लिए बनवाया है, और जो हमारा नाम ही एक विश्वास के नाम पे आता है, कि एक विश्वास, एक भरोसा हमें बचाने के लिए एक नाम ही काफी होता है कि डॉक्टर आ रहा है। तो इसीलिए उस नाम के विश्वास को कायम रखें, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सभी लोग हेल्थ से जुड़े हुए हैं, इस पेशे से जुड़े हुए हैं, और इस विश्वास से जुड़े हैं कि हम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और उनको अच्छा जीवन प्रदान करेंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ इस पेशे की गरिमा को बनाए रखें, इस पेशे की अच्छाई को बनाए रखें, इस विश्वास को बनाए। ज्यादा समय ना लेते हुए वो प्रोडक्ट आपको क्या काम करेगा, क्या इसमें बेनिफिट्स हैं, ये चीजों पे मैं विचार करूंगी। एक बार सचिन जी जहां भी कहीं है, एक सेकेंड, मुझे स्क्रीन आउट हो रहा है, एक बार प्लीज मेरी हेल्प करें। हेलो सचिन जी जहां भी कहीं, एक सेकेंड, तो शेयर स्क्रीन नहीं हो रहा है। IU64, जैसा कि सर ने बताया कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, कोविड के लिए प्रिकॉशनरी मेडिसिन है, लेकिन कुछ आपको बताना चाहती हूँ, कुछ एक इसके ऐसे वक्तव्य हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले IU64, जो कि हम सब जानते हैं वायरल में देना है, एंटी फ्लू मेडिसिन है, कोविड में गवर्नमेंट सरकार ने अप्रूव करी हुई मेडिसिन है, इसमें क्या खास बात है जो आप और भी कहाँ यूज कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, इसमें सप्तपर्ण, किरातिक, कुटकी, कुबेर, रक्षा, इन चार चीजों से बना है हमारा IU64। ये चार ऐसी आयुर्वेदिक औषध है जिन चीजों से IU64 ने, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था कि हाँ ये एक एंटी फ्लू मेडिसिन काम करेगी और ये अच्छा काम करेगी और ये कोविड में काम करने के लिए सक्षम है। सबसे पहले सर, अगर आपके पास कोई भी पेशेंट मलेरिया का आता है जिसका मलेरिया पॉजिटिव है, चिकनगुनिया, यस ध्यान से सुनिए, चिकनगुनिया जिसे हम कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार, कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं क्योंकि इसे हिंदी भाषा में आमतौर पर यही समझा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार, तो जिनके जोड़ों में स्वेलिंग है, कोई उनको कोविड नहीं है, कोई उनको मलेरिया नहीं है, उनको चिकनगुनिया भी नहीं है, लेकिन कहीं बॉडी में शोथ है, तो जो इसके कंटेंट है, एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो इसके कंटेंट है वो ये बता रहे हैं, अगर हमने इस मेडिसिन को किसी भी स्वेलिंग पे दिया है, किसी भी स्वेलिंग नहीं, ज्वाइंट स्वेलिंग, इसको हमने जोड़ों की स्वेलिंग पे दिया है, तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत आपने सुना होगा शलीपत नाम की एक बीमारी होती है, शलीपत, जिसको हम फाइलेरियासिस भी कहते हैं, जिसको हम हाथी पाव भी कहते हैं, और हम ये कह देते हैं इसकी कोई दवाई नहीं होती, लेकिन IU64 के ऐसे इसमें जो कंटेंट है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपकी एंटी फलेरियल मेडिसिन के रूप में भी सहायक हैं। आप उनको एलोपैथी जो भी मेडिसिन आप कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है फलेरिया की, आप उसके साथ IU64 बेझिझक उसको दे सकते हैं, उसको डेफिनेटली फायदा होगा।
सर इसमें आपको किसी का कैटार है, मतलब कोल्ड है और रनिंग नोज है, किसी को जुखाम हो रहा है पर वो बलगम बाहर नहीं आ रहा है, तो कोल्ड कैटार में इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। बारिश के मौसम में प्रिवेंटिव काम करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मलेरिया से तो बचाएगा ही बचाएगा, लेकिन साथ में आपको और किससे बचाएगा, और जो आसपास के वायरसेस हैं, बारिश के दौरान मच्छर पनप रहे हैं, बारिश के दौरान आपके शरीर में थकावट महसूस हो रही है, तो उस थकावट को, जो जोड़ों में दर्द, थकान रहना, खांसी जुखाम होना, बुखार में, इन सब में काम करेगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका जो इफेक्ट मैंने स्पेशल क्या बताया है आपको, शोथर, ये एंटी फाइलेरियल मेडिसिन के रूप में भी बहुत अच्छा साबित हुआ है, और ये हम स्पेशल नहीं ढूंढ के लाए, ये सरकार ने अप्रूव किया है। अगर किसी को भी इसके बारे में कुछ जानना है, आप नेट पे सिर्फ ये लिखे गवर्नमेंट अप्रूव आयु 64 के नाम से भी बहुत कुछ निकल आएगा, क्योंकि ये सरकार ने अप्रूव किया है इस मेडिसिन का पेटेंसी, सरकार ने खुद अप्रूव करके दी कि हाँ इट विल वर्क। चिकनगुनिया जो बहुत सीजनेबल है, जो अभी आने वाला है, मलेरिया, डेंगू, इन सब में काम करेगा आयु 64। और एक स्पेशल चीज इसमें क्या है, सप्तपर्ण और केरातिक का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि हम सभी जानते हैं स्किन डिजीजेस बहुत फैलती हैं बारिश के मौसम में, दांत खाज खुजली बहुत होता है, तो यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ को, जी हाँ, फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ को आपका आयु 64 100% रोक सकता है, अगर आप कॉम्बिनेशन में और मेडिसिन के साथ इसको देते हैं, ये उसके काम को एनहांस ही करेगा। इसको आयु 64 को और यहाँ यहाँ सब जगह आप दे सकते हैं। बहुत सारी क्वेरीज थी, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, क्या हम बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों को ये प्रॉब्लम है, बच्चों को मलेरिया हो गया, बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम है, तो इसका जवाब है हाँ, आप बच्चों को भी इसको दे सकते हैं। 5 साल से ऊपर बच्चे को आप आधी गोली तोड़कर पानी में मिलाकर या शहद के साथ या पानी से अगर बच्चा ले सकता है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, आधी गोली सुबह आधी गोली शाम, जी हाँ आप बच्चों को भी दे सकते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं इसकी ऐसी चीजों के बारे में कि आयु 64 की, जैसे कि सर ने भी बताया, हमें बहुत सारी प्रेजेंटेशन में हम सुनते हैं को, गवर्नमेंट को, डॉक्टर्स को, जिसको 2 गोली सुबह गोली शाम भी देते हैं, मलेरिया के केसेस में हम इसको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम देंगे, कोविड के केसेस में 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम दे सकते हैं। प्रिवेंटिव डोज, हमें बीमारियों से हम बचे रहें, उसके लिए आप 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम ही लें इसको। कुछ लोगों की क्वेरीज थी कि मैडम वायरोविन भी हमारे पास है, आयु 64 भी हमारे पास है, तो हम क्या करें? तो सबसे पहले सर, वायरोविन का कंपोजिशन अलग है, आयु 64 का अलग है, आप इनको साथ में दे सकते हैं, कम डोज में आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि आयु 64 इज अ थेरेपेटिक मेडिसिन ऑफ कोविड, थेरेपेटिक मेडिसिन ऑफ फ्लू, थेरेपेटिक मेडिसिन ऑफ मलेरिया, चिकनगुनिया, जॉइंट पेन, माइक्रोफाइलेरिया, ये प्रूव्ड है, ये प्रूफ है गवर्नमेंट के थ्रू, और आप इसको फंगल इन्फेक्शन में बिना सोचे यूज कर सकते हैं, ये काम जरूर करेगा। इसके साथ हम आगे चलते हैं अपने सेशन के लिए। आज डॉक्टर्स डे जो कि हम मनाते हैं, आपने सुना होगा सभी ने, डॉक्टर्स डे इंडिया में आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं, डॉक्टर विधान चंद रॉय के जन्म दिवस और मृत्यु दिवस के रूप में। जी हाँ, उनका जन्म आज के दिन हुआ था, वो बंगाल के सेकंड प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन अपने जीवन में चिकित्सा के क्षेत्र में किया था, इसीलिए 1 जुलाई को आज हम उनको याद करते हुए कुछ ऐसी औषध के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे जीवन को एक लंबी समय की अवधि के साथ स्वस्थता प्रदान करेगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं गो लाइफ के बारे में। ये एक ऐसी मेडिसिन हमने प्रेजेंट करी जिसके पीछे हमारा मोटिव था स्वास्थ्य से, स्वस्थ व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए और विकार व्यक्ति के विकार का शमन करने के लिए हमारे मोटिव के साथ हमने गो लाइफ प्रेजेंट किया। जो व्यक्ति स्वस्थ हैं वो और लंबे समय तक स्वस्थ रहें, जो व्यक्ति विकार से ग्रसित हैं इस दवाई के साथ, इस औषध के साथ, इस सुपर फूड के साथ स्वस्थ रहें, ठीक हो, यही हमारा मोटिव गो लाइफ के साथ था। हम चाह रहे हैं आपको एक क्वालिटी लाइफ से, गो लाइफ की तभी मेरे पास है, इसमें 60 टैबलेट्स होती हैं,
ये रही सर गो लाइफ का नाम के पीछे यही था, जिंदगी आगे तक चलती रहे, जिंदगी स्वस्थ रहे। हम सब लोग खाते हैं, हम न्यूट्रिशन लेते हैं, पर खाने से वो न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, तभी हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा एक परिवार में पिता भी है, एक परिवार में बेटा भी है, एक परिवार में दादा भी है, एक परिवार में बेटी है, माँ है, बहन है, सभी लोगों के रिक्वायरमेंट अलग है, मेडिसिनल यूज में भी, न्यूट्रिशन यूज में भी। कैसे? एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, और कोई माँ बन गई है, कोई बच्ची है, तो सबकी एज के अनुसार सबकी जरूरत अलग है, सबकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग है, पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग है हम सभी को। किसी को कैल्शियम की ज्यादा जरूरत है, किसी को आयरन की ज्यादा जरूरत है, किसी को खाने में फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत है। तो वो सब रिक्वायरमेंट के लिए हम घर में एक पूरा बॉक्स लगा के रखते हैं, ये मम्मी की दवाई है, दीदी की दवाई और बेटे की दवाई। इसीलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपने मोटिव के साथ आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दी है। अब हमें इतनी बड़ा सेक्शन नहीं रखना पड़ेगा दवाइयों का। जी हाँ, एक ही दवाई आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो 16 साल की लड़की हो, चाहे वो 32 साल की लेडी हो, चाहे वो 50 वृद्ध हो। जी हाँ, ये एक ऐसी मेडिसिन है, ये एक ऐसा सुपर फूड है, ये एक फूड है जिसमें की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है हमारी। इसमें मेन प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं, जो कि हमारे खाने से ही हमें पोषण देते हैं, लेकिन खाने से पोषण पूरा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं लोग, जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलनी चाहिए वो पकाने के बाद पूरी नहीं आती। बहुत बार होता है, मैंने जैसे लास्ट सेशन में बताया था, शिमला मिर्च बहुत अच्छी है, बहुत यूजफुल है, विटामिन सी का एक्सट्रीम स्रोत है, लेकिन उबालने के बाद उसका विटामिन सी भी उड़ जाता है। तो इसीलिए हम क्या करें, हम कैसे सोचे, हमने आलू खाया पर उसका कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं मिला, हमें कैसे पता लगेगा? हमने तो हमारे हिसाब से तो हमने कार्बोहाइड्रेट नहीं पूरी करी है। तो इन सभी वर्कों के सॉल्यूशन के लिए हमने गो लाइफ इन्वेंट किया। अमूल्य हर्ब्स ने गो लाइफ टेबलेट्स आपको दी, इसलिए लिए ये एक 14 औषध तत्वों से बना है। वो औषध स्पेशल तत्व हमने मिलाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपको तैयार करके दिया है कि वो आपकी आयरन की नीड, जी हाँ, वो आपकी आयरन की नीड, वो आपके कैल्शियम की नीड, वो आपके आंतों की रक्षा की नीड पूरी करेगा, वो आपके न्यूट्रिशन को, विटामिन को, जो हम मल्टी विटामिन खाते हैं। किसी को अपनी स्किन अच्छी करनी है वो भी एगो लाइफ खा सकता है, किसी को अपने हार्मोनल इम्बैलेंस, जी हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक करना है। जैसे मेनोपॉजल लेडी है, 50 के बाद मेनोपॉजल इश्यूज आते हैं, मुंह पे एकदम से पसीना आना और आपको बहुत सारी मूड फ्लशेस होना, बहुत जल्दी से गुस्सा आना, बहुत जल्दी से शांत हो जाना, ये हार्मोनल चेंजेस है। सेक्सुअल इश्यूज आते हैं जिन लोगों में, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, 16 साल की लड़की में मासिक स्राव शुरू होता है उसमें भी चेंजेस आते हैं, बच्चे में हड्डियां बढ़ती हैं, कैल्शियम की नीड होती है उसमें भी चेंजेस आते हैं। सभी चीजों के लिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन में हमने दिया गो लाइफ टैबलेट, जो कि वो सभी जरूरतों को, आपकी आयरन, कैल्शियम, विटामिन, सभी सप्लीमेंट्स को पूरा करेगी जिंक के साथ। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, हमने बहुत स्पेशल चीज यूज करी। क्या यूज करा हमने इसमें? खूम खजूर, मशरूम, जिसे हम गैनोडर्मा ल्यूसीडियम भी कहते हैं। आपको किसी व्यक्ति को अगर कैंसर है, अब से कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी चल रही है, वो अपने ट्रीटमेंट ले रहा है, वो इसके साथ अगर गो लाइफ लेता है तो उसके जो मल्टीपल ग्रोथ है, कैंसर में क्या होता है मल्टीपल सेलुलर ग्रोथ, वो ग्रोथ को रोकने में ये आपका सुपर फूड सक्षम है। जी हाँ, ये जो सुपर फूड है वो मल्टीपल ग्रोथ को रोकने में सक्षम है। सेक्सुअल इश्यूज किसी को आ रहे हैं, आप अपने प्रॉपर मेडिकेशन के साथ अकेला गो लाइफ भी लेंगे तो आप देखेंगे क्या चमत्कारिक आपके अंदर चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग के हार्मोन्स को, आपके शरीर में रक्त प्रवाह के थक्के को भी रोकता है। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल जिसका भी बड़ा है उसमें भी ये काम करता है, क्योंकि ये खून को जमा नहीं होने देता, ये बॉडी में एनर्जी का संचार करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल रोकने में सक्षम है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं बिना झिझक, बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति गो लाइफ को खा सकता है, कोई समस्या नहीं आती। अच्छा, स्पेशल क्या है इसमें, बहुत सारी हमने स्पेशल चीज यूज की, मोरिंगा, जो मोरिंगा हार्मोनल इम्बैलेंस से लेकर दूध के
उसको संचार को भी बढ़ाता है। फीमेल्स में जो अगर गर्भवती महिला के बाद लैक्टेशन पीरियड जो आता है हमारा, जो हम दूध पिलाती है माता, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ मिल्क और क्वांटिटी ऑफ मिल्क दोनों पे एक काम कर रहा है। आपके इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए, बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है उसके लिए हमने स्पेशल हल्दी इसमें यूज करी, साथ में इसमें काली मिर्च यूज करी है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाए। इसमें सी बकथॉर्न यूज करा हमने, ग्रीन कॉफी यूज करी, क्योंकि इसमें सेलुलर ग्रोथ बढ़ानी है, हमें रिजुविनेशन देना है। अगर किसी के झुर्रियां बढ़ गई हैं, बुढ़ापा आ गया है, तो वापस आपको रिवर्स करने के लिए एजिंग, यस एजिंग रिवर्सिंग के भी इसमें बहुत सारे कंटेंट यूज करें, एलोवेरा भी में यूज किया। तो आपके लिए अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को अच्छे से स्वस्थता के रूप में अगर पूर्ण करना है, तो गो विद गो लाइफ टैबलेट, वेरी स्पेशल सुपर फूड मेड अप ऑफ 14 स्पेशल आयुर्वेदिक हर्ब्स, जो कि कमाल का है। इसकी डोज भी बहुत ज्यादा नहीं है, एक गोली सुबह एक गोली शाम। आप इसको थोड़े से गुनगुने पानी से खाएंगे, आप पाएंगे एक दमकती हुई सुंदर त्वचा के साथ, बिल्कुल साफ आते, पेट की कोई समस्या नहीं, मुझे आयरन की कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं, मुझे अब और गोली खाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कुछ स्पेशल चीजों के लिए हमें कई बार एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि हमने पीछे वायरोविन दिया था, उसकी चीजों को बढ़ाने के लिए हमने एनर्जी जेड का प्रयोग किया। अब गो लाइफ के साथ हम अगर अमूल्य रस का, जी हाँ अमूल्य रस का, ये देखिए अमूल्य रस का, अमूल्य रस का प्रयोग करते हैं, तो इसके गो लाइफ की कंटेंट्स का इफेक्ट ज्यादा आएगा। जी हाँ, अगर हम गो लाइफ टैबलेट के साथ अमूल्य रस का प्रयोग किसी पेशेंट को देते हैं, खुद भी लेते हैं, तो हमें इसका ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। ये आपको एनहांसमेंट ही देगा। जो अमूल्य रस है वो हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है। ये 6 इंपॉर्टेंट उसे आयुर्वेदिक हर्ब से बना है। इसमें एलोवेरा है, रीजुविनेशन पावर है, वीट ग्रास है, जिसे हम गेहूं का ज्वारा भी कहते हैं, जो कि मल्टीपल सेल की ग्रोथ को रोकता है। इसमें आंवला है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। दूर्वा है, जो कि एसिडिटी से लेकर ब्लीडिंग गम्स तक में दी जाती है, जो कि मेंस्ट्रुअल इश्यूज से लेकर, जी हाँ PCOD, आपने सुना होगा, रसोली किसी को होती है तो उसमें स्पेशल काम करती है दूर्वा का प्रोडक्ट, तो उसमें वहां आप दे सकते हैं इस पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को। अगर आपको लगता है इसको PCOD से समस्या है, मेंस्ट्रुअल इश्यूज है, डायबिटिक अगर कोई है, दूर्वा जो होता है वो हमें शुगर लेवल कंटेंट कम करने में भी सहायक है। किसी का मसूड़े से ब्लीडिंग होता है, नाक से ब्लीडिंग होते हैं, एपिस्ट्रेक्सिस जिसको हम कहते हैं, नक्सीर छूट जाती है, तो वहां आपका काम करेगा अमूल्य रस। गो लाइफ के साथ अगर मैं अमूल्य रस देती हूँ तो उसके टॉक्सिन्स रिमूवल तो ज्यादा करता ही है, पेट में स्टमक में आपकी आंतों की समस्या को ठीक करता है। ये एक माइल्ड लेक्सेटिव मेडिसिन है, माइल्ड लेक्सेटिव। कोई भी व्यक्ति 30 ml अमूल्य रस को, ये इसके साथ टक्कर भी देते हैं हम, इसके बॉक्स है 30 ml मेडिसिन और 30 ml थोड़ा सा निवाया गर्म पानी, अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसका पेट से संबंधित जो भी समस्या होती है, पेट एक बार में क्लियर होता है, साफ होता है, और जो भी अगर एसिडिटी वाली समस्या इस पेशेंट में किसी भी आती है तो वो भी नहीं आती। और गो लाइफ के आयुर्वेदिक हर्ब्स के कॉम्बिनेशन को इंक्रीज करने के लिए, उसकी वाइटिलिटी और बढ़ाने के लिए अगर आप अमूल्य रस उसके साथ यूज करते हैं, तो आप यकीन मानिए आप रोगों से तो बचेंगे ही, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, और साथ में आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप, अपने परिवार की, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो यकीन मानिए आप गो लाइफ अमूल्य रस आज से ही शुरू कीजिए। और स्पेशल एक खास बात मैं अमूल्य रस के बारे में बताना चाहूंगी कि अमूल्य रस बहुत हार्श प्रिजर्वेटिव से नहीं बना है, जो प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं और मेडिसिंस के लिए, ऐसे हार्श प्रिजर्वेटिव से नहीं बना है, तो इसीलिए इस बॉटल के खुलने के बाद, एक बार ओपन होने के बाद, इसको 1 month में ही कोशिश कीजिए कंज्यूम करने की, क्योंकि रस है ये 6 इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियों का अमृता रस है। इसमें गिलोय है, जिसका खुद का ही नाम आयुर्वेद में अमृता के नाम से जाना जाता है, अमृत, जिसका खुद का ही नाम का एक सिनोनिम अमृत है, तो वो बहुत असेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो कोशिश कीजिए 1 महीने में ही एक बॉटल आप कंज्यूम कर लें, क्योंकि इसमें कोई हार्श प्रिजर्वेटिव नहीं हमने यूज किया।
नेक्स्ट हम चलते हैं इसी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए, आपके बॉडी के रिजुविनेशन। आप जैसे कि हम हमारी एज से ज्यादा लगने लग गए, तो आपके बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने के लिए, स्किन के सेल्स ही नहीं आपके शरीर के सेल्स को रिपेयर करने के लिए भी आपका काम करेगा। आपके ब्लड में, जी हाँ, रक्त कोशिकाओं को रिजुविनेट करता है। इसमें भी RBC रेड सेल प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। आपने सुना होगा कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है कि प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रही, प्लेटें नहीं बढ़ती, जिससे हमारा खून क्या आता है हमारे पास कि प्लेटें नहीं बढ़ रही है। तो और मेडिसिन के साथ आप अमूल्य रस लीजिए, प्लेटलेट्स बढ़ेंगी। आप इसमें IU64 भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें सप्तपर्ण कुटकी है, तो वहां पे अमूल्य रस के साथ अगर यूज करते हैं तो प्लेटें जरूर बढ़ेंगी, आपके मलेरिया डेंगू के सभी पेशेंट ठीक होंगे। आप इसमें रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं अमूल्य रस के साथ। तो जो भी स्वस्थ व्यक्ति है, आपको बीमारियां ना हो, तो आप ये दोनों प्रोडक्ट इकट्ठे दीजिए, इकट्ठे यूज कीजिए, परिवार से ही शुरू कीजिए। क्योंकि जब हम अपने अंदर चेंज देखते हैं तो लोग भी पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया जो आपके अंदर चेंज है। इसके साथ ही मैं कुछ एक स्पेशल एक प्रोडक्ट मैंने कोशिश की थी आप सबको बताने के लिए, आज एक मैं कोशिश करना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती है ज़ारा बिन को लेकर। इसके लिए हमारे पास एक अमूल्य में ज़ारा बिन कैप्सूल और सिरप का फॉर्मुलेशन हमें दिया गया है। इसे बहुत सारे क्वेश्चन से, मैडम ज़ारा बिन स्पेशल कहाँ देना है, इस पे लिखा है इट्स आइडियल वाइटल टॉनिक। सर इसके अंदर ऐसी बहुत सारी स्पेशल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर ऐसी स्पेशल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें कि अश्वगंधा, हरड़, आंवला, गुरुची, केसर, द्राक्षा और श्वेत मुसली, जीवंती, शिलाजीत। इसमें हमने एलोवेरा के साथ अरुण छाल का यूज किया है, इसमें अनार छाल का यूज किया है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ड्रग्स का, जो भी व्यक्ति, जी हाँ, मेल फीमेल, बच्चा बूढ़ा, जो भी व्यक्ति अपनी फिजिक के लिए काम करना चाहता है, वो पतला होना चाहता है या फिर वो मोटा होना चाहता है, पर फिजिक एक पोस्चर में नहीं है, कहीं से आप पतले हैं कहीं से आप मोटे हैं, वो पोस्चर के लिए अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, यकीन मानिए इसको लगातार 6 वीक्स यूज कीजिए। जी हाँ, आप कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं और आप सिरप भी यूज कर सकते हैं। आपके लिए इसीलिए दिया गया है दोनों फॉर्म में क्योंकि बच्चे हैं कैप्सूल नहीं खा पाते, डायबिटिक है सिरप नहीं पी पाते, वहां कैप्सूल यूज कीजिए, बच्चे कैप्सूल नहीं ले सकते वहां सिरप यूज कीजिए। आपने देखा होगा ये कहाँ काम कर रहा है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपके हर एक सेल्स में काम करेगा। लोगों ने सुना होगा कि पैरालिसिस हो गया, वहां डॉक्टर ने मिक्स मैनी ड्रग्स कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो वहां पे आपका ज़ारा बिन हेल्प कर सकता है। वहां पे ज़ारा बिन आपकी मस्कुलर फंक्शन, नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इंक्रीज कर सकता है, आपके मस्कुलर मायोपैथी को ठीक कर सकता है। जी हाँ, आपका पैर सुन हो रहा है, आपका हाथ में चीटियां काटती हैं, आपको अपनी बॉडी को बिल्डिंग चाहिए, जैसे कुछ लोग बॉडी बिल्डर प्रोटीन शेक यूज करते हैं, आप वहां पर ज़ारा बिन यूज कीजिए। जी हाँ, वहां 100% ज़ारा बिन आपको काम करके देगा। रेड ब्लड सेल के कंपोजिशन में, जैसे कि हम किसी व्यक्ति का HB कम है, आपके पास कोई फीमेल या कोई बच्चा आता है उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो वहां पे हीमोग्लोबिन के साथ आपको हीमोग्लोबिन देना होता है, साथ में आप ज़ारा बिन सिरप दे दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो हीमोग्लोबिन काम करता है उसका वर्क एनहांस हो जाएगा। जी हाँ, पैरालिसिस के केस में डॉक्टर ने और भी दवाइयां दी, डॉक्टर ने सुन होना, पैर सुन होना, हाथ सुन होना, और भी दवाइयां दी, आप उसमें ज़ारा बिन ऐड कर दीजिए, उसका काम जल्दी भी होगा और एनहांस होगा, अच्छा होगा। तो इसीलिए आपके डैमेज सेल को, आपके जो सेल डैमेज हो गए उनको रिपेयर करने के लिए आप इसमें ज़ारा बिन सिरप, ज़ारा बिन कैप्सूल का यूज करेंगे। इस कैप्सूल सिरप को कैसे लेते हैं, जो ज़ारा बिन कैप्सूल है हमारा, देखिए ज़ारा बिन कैप्सूल जो है हमारा, ये मेरे सामने आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, इसको एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को गर्म पानी के साथ, थोड़े से निवाए पानी के साथ लें तो इसका बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, बिकॉज इसका एब्जॉर्प्शन रेट थोड़े से निवाए पानी के साथ ज्यादा आता है। वैसे आप सीजन अनुसार भी इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा ज़ारा बिन सिरप, 2-2 चम्मच, यस 10 ml
आफ्टर मील, दोनों ही चीजें आफ्टर मील खानी है। गो लाइफ अमूल्य रस, अमूल्य रस को खाली पेट यूज करें, गो लाइफ को खाने के बाद यूज करें। ज़ाराविन कैप्सूल को खाने के बाद, ज़ाराविन सिरप को भी खाने के बाद यूज करें। 10 ml, 2 चम्मच, 2 TSF, 2 टेबल स्पून सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में खाने के बाद, शाम को डिनर के बाद, 3 बार आप इसे यूज कर सकते हैं। बच्चा अगर कोई है, जी हाँ कोई बच्चा अगर है 5 साल का, 4.5 साल का, उसको आप आधी आधी चम्मच 3 बार आप दे सकते हैं। बेझिझक इसमें दे सकते हैं, इसमें बीमारी अगर बच्चे को है तो भी दे सकते हैं, नहीं है तो भी दे सकते हैं, उसके ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए। तो ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की ऐसी मेडिसिन है जो बिना बीमारी भी दी जाती है और बीमारी होने पर भी दी जाती है। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है ज़ाराविन जो आप जहां भी किसी मेडिसिन के साथ देंगे, इसका इफेक्ट 100% एनहांस होता है, नॉट 10, नॉट 20, इट्स 100% एनहांसमेंट। क्योंकि इसमें जो कंपोजिशन यूज की गई है, मुस्ली, अश्वगंधा, एलोवेरा, शतावरी, अरुण छाल, अर्जुन छाल, ये सब चीजें एनहांस करती हैं काम को। तो इसीलिए इसको यूज करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लोगों को दें, खुद लें, ताकि लोगों को लगे हमने कोई न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करी, लोगों को लगे हमने एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के साथ एक ऐसी चीज ली है जिससे हमें बीमारियां भी कम होती हैं। और याद रखें लोग कि कंपोजिशन क्या थी उस डॉक्टर ने जो हमें प्रिस्क्राइब की थी। इसी कंपोजिशन इंग्रेडिएंट में दिखाने वाली थी, ये इसमें इंग्रेडिएंट आपके सबके सामने है, इसमें शतावरी वगैरह सब चीजें यूज की है। इसे गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, डॉक्टर की सलाह के बाद लें, और जो शिशु पालन कर रही हैं, जो माताएं लैक्टेटिंग हैं, वो ले सकती हैं बिना डॉक्टर की सलाह के भी, क्योंकि इसमें जो मेडिसिन डली हुई है वो उनके लिए उनके मासिक स्राव को भी ठीक करेगी, उनके हार्मोन्स को रेगुलेट करेगी, बच्चों में दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज करेगी, उनमें रक्त की कमी पूरी करेगी, उनमें कैल्शियम नीड को भी पूरा करेगी। तो जो भी माताएं दूध पिलाती हूँ वो ज़ाराविन जरूर लें, जो भी माताएं दूध पिलाती हूँ वो गोलाइफ जरूर खाएं, क्योंकि इससे भी आपकी कैल्शियम, आयरन, विटामिन की नीड पूरी होगी, साथ में आपके बच्चे को इन इन्फेक्शन आगे होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही दूध में सारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, पहले से ही दूध में कैल्शियम, विटामिन सब कुछ गया है। तो इसीलिए अगर हम पहले दिन से ही बच्चे को अच्छा पोषण देना चाहते हैं, ये चाहते हैं ये बच्चा बीमार ना हो, बार बार डॉक्टर के पास ना जाए, तो इसीलिए हम क्या करें, पहले दिन से ही बच्चे को अच्छी चीज खिलाएं, सुपर फूड जैसी ऐसी चीजें यूज कराएं, ज़ाराविन, अमूल्य रस, ऐसी चीजें यूज करें ताकि बच्चे को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसीलिए मैं आपको कुछ एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में आज डिस्कस करके गई हूँ कि आप अब जो इस महीने आप जाएं, इस साल आप, आपका डॉक्टर डे तक जो भी जाएं, आप जो भी काम करें वो एक ऐसा हो कि किसी के फायदे के लिए तो हो, पर वो ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करे कि वो लोगों को रिकमेंड करे। ये ऐसे ड्रग है हमारे, गो लाइफ ऐसा ड्रग है जो बिना दवाई के भी आप किसी को देख के जाएंगे तो आपको रिवर्ट करेगा कि हाँ हमने कुछ खाया है, लगता है कि हमें एनर्जी है, हमें लगता है कि हमारे में ऊर्जा है। तो गो लाइफ के बेटर रिजल्ट के लिए बिना बीमारी के आप बच्चों को भी अगर देते हैं तो एक गोली देंगे इसमें 7 to above, अगर 7 साल से ऊपर का बच्चा तो एक गोली पूरी दे सकते हैं, और एक बार देंगे नाश्ते के बाद गर्म थोड़े से निवाई पानी के साथ। बच्चे को थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन रहती है या उसके अच्छे इफेक्ट के लिए, गो लाइफ के लिए, आप अमूल्य रस उस बच्चे को 10 ml दवाई, 10 ml गुनगुना पानी, 2 बार खाली पेट दे दीजिए। ये आपका बच्चे से लेकर बूढ़ा तक स्वस्थ रहेंगे, इम्यूनिटी इनको मिलती रहेगी, बीमारियों से दूर रहेंगे, आपको आगे जाके डॉक्टरों से जाना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर से दूर रहेंगे। और बच्चे को अगर फिजिक चाहिए, किसी फीमेल को, किसी मेल को जिम जाना है, आपका प्रोटीन पाउडर की जगह आप अच्छा सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, तो वो है ज़ाराविन कैप्सूल, ज़ाराविन सिरप। जी हाँ, ज़ाराविन कैप्सूल, ज़ाराविन सिरप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं और बूढ़ों को भी दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके काम आने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो इस बारे में अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो हमें डॉक्टर ऑन कॉल नंबर पे, हमें लैंडलाइन नंबर पे संपर्क करें और हमसे प्लीज पूछें, जिससे कि पूछने से आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो प्लीज हम डिस्टर्बेंस नहीं मानेंगे, आप हमसे ज्यादा से ज्यादा पूछिए कहाँ U64 देना है, कहाँ गो लाइफ आप दे सकते हैं, कहाँ ज़ाराविन दे सकते हैं, आप हमसे लैंडलाइन नंबर पे और डॉक्टर कॉल नंबर पे पूछ सकते हैं। अब मैं प्रोमिला मैम को हैंड ओवर करती हूँ।
मैं थैंक्स करना चाहूंगी डॉक्टर रेखा शर्मा का, उन्होंने हमें इतनी जानकारी दी गो लाइफ के बारे में, आयुष 64 के बारे में, ज़राविन के बारे में और अमूल्या रस के बारे में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि हमने आपको बोला था कि आपके जो भी डॉक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे वो आप हमें व्हाट्सएप कर दें, और हमेशा की तरह आप लोगों के जो सवाल है उसकी बौछार बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा हमारे पास सवाल आए हैं, और मैं उन्हीं सवालों के जवाब के लिए बुलाना चाहूंगी डॉक्टर शशि गुप्ता जी को, और अनुरोध करूंगी सभी तालियों से उनका स्वागत करें, डॉक्टर शशि गुप्ता जी। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना, इस प्रयोजन हेतु मॉर्निंग के इस पहले सेशन में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय अमूल्य। आप सब में बैठे हुए मेरे जितने भी ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से आज के दिन की हार्दिक बधाई। स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है, हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा स्वास्थ्य हमारे दायित्व का एक आईना है, और उसमें बसी हुई जो पॉजिटिव सोच है वो सोने पे सुहागा है, और दोनों ही तरक्की की ओर हमें खींच के ले जाती हैं। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ रहेंगे, और आपसे संपर्क में आने वाले लोग तभी प्रभावित होंगे। इसलिए आपकी हेल्थ सबसे प्रियोरिटी होनी चाहिए, आपकी हेल्थ आपकी पहली प्रियोरिटी है। इसलिए आप फील्ड में रहते हैं जहां तक कई चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, साथ साथ में अनेकों प्रश्नों का भी आपको उत्तर देना पड़ता है। आप किन प्रश्नों में स्मार्ट भी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप असमंजस की स्थिति में भी फंस जाते हैं। तो उसी प्रश्नों के उत्तर के लिए आज मैं आपके समक्ष पेश हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी प्रश्न हैं मैं उनका आपका उत्तर सटीकता से दे सकूं। समय सीमित है, लेकिन मैं चाहती हूँ जितने भी प्रश्न हो सके उनको मैं थॉरली आंसर दे सकूं। इसलिए समय ना गंवाते हुए मैं प्रमिला मैम से आग्रह करूंगी कि प्रश्न के दौर को शुरू करें। जी मैम, जो हमारा पहला सवाल है वो आयुष 64 को लेकर ही है कि आयुष 64 किस उम्र के लोगों को दिया जाना चाहिए, बच्चों के लिए इसकी क्या मात्रा रहेगी, और हार्ट पेशेंट और किडनी पेशेंट को भी क्या हम ये दवाई दे सकते हैं। जी, अभी जैसे डॉक्टर मैम ने बताया कि आयुष 64 इज टोटली सेफ, ये हम प्रिवेंटिव भी देते हैं और एज अ ट्रीटमेंट भी देते हैं। प्रिवेंटिव केसेस में हम अबव 5 ईयर्स बच्चों को शुरू कर देते हैं, और 8 साल के ऊपर हम आधी गोली सुबह आधी गोली से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम माइल्ड और मॉडरेट केसेस को डिवाइड करते हैं। माइल्ड केसेस में जैसे लक्षण होते हैं बुखार का आना, नाक कंजेशन रहना, नाक बहना, शरीर का टूटना, बॉडी एक होना, सीवियर हेडेक होना, उन सब केसेस में हम आयुष 64 की मात्रा 2 सुबह 2 शाम देंगे। साथ साथ में जो मॉडरेट केसेस हैं उनमें 2 सुबह 2 दोपहर और 2 शाम को देंगे। इसलिए ये बिल्कुल सेफ ड्रग है। बिसाइड दिस, जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं, जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं, या जितने भी किसी और प्रॉब्लम है पेशेंट्स को, तो वो टोटली सेफ है, प्रोवाइडेड वो अपनी मेडिकेशन ज्यों को त्यों रखे और आयुष 64 लेते रहे। जी, दूसरा सवाल है मैम, जो यूट्रस में होने वाले जो फाइब्रॉइड है उसको हम दवाइयों से कैसे खत्म कर सकते हैं, और अमूल्या में इसके लिए क्या दवाई है। देखिए, पहले तो यूट्रस में जो होने वाले फाइब्रॉइड हैं वो 2 तरह के होते हैं, और 2 के बजाय 3 तरह के होते हैं। बिसाइड दिस, इनके लक्षण अलग अलग होते हैं, और जिसकी क्लैरिटी हमें अल्ट्रासाउंड ऑफ लोअर एब्डोमेन से ही क्लियर होती है। उसके साथ साथ लक्षणों में भिन्नता के कारण हम दवाइयां भी विभिन्न देते हैं। जैसे किसी केसेस में हैवी ब्लीडिंग होती है, किसी में बिल्कुल नहीं होती, और किसी में असिम्टोमेटिक होती है। तो सब में जो कॉम्बिनेशन है दवाइयों के डिफरेंट होगी, लेकिन फैमिजोन वो हम 2-2 चम्मच 3 बार देंगे सभी केसेस में। यूट्राइन, अगर आपको ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं हो रही तब हम यूट्राइन 2-2 चम्मच 3 बार देंगे। साथ में हम मोरिंगा देंगे जो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस को मेंटेन रखेगा,
और इसके साथ साथ हम ल्यूकॉल केयर देंगे जो पीसीओडी केसेस में हेल्प करेगा। इसलिए फाइब्रॉइड यूट्रस में अगर आपको ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं है तब आप यूट्राइन ले सकती हैं, और अगर आपको ब्लीडिंग ज्यादा है तो आप यूट्राइन को अवॉइड करके हीमोग्लो एक सुबह एक शाम को ऐड कर सकती हैं। जी मैम, जो हमारा अगला सवाल है वो पूछा गया है कि मेरे लेफ्ट और राइट में पेट में अक्सर दर्द रहता है, इसके लिए मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए और इसके लिए मुझे कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? जो पेट में दर्द होता है वो राइट और लेफ्ट, पहला कारण था गैस का। गैस एक मेजर इशू है और इसकी जांच हमें अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन से क्लियर हो जाती है। बिसाइड दिस, राइट साइड में होने वाला पेन जो एक ही जगह लोकलाइज रहता है वो हमारी पित्त की पथरी का कारण भी हो सकता है, और बिसाइड दिस हमारा बड़ा हुआ लिवर यानी हिपेटोमिगैली भी हो सकता है। इसलिए सभी केसेस में पहले हम पुदीना ड्रॉप्स देंगे पेशेंट को, क्योंकि फर्स्ट जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फर्स्ट रीजन जो हमें क्लू मिलता है दैट इज ऑफ गैस। सो पुदीना ड्रॉप दो दो बूंदे 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। बिसाइड दिस हिपेटोमिगैली केसेस में आप लिवर सिरप को भी ले सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को 2-2 चम्मच 3 बार लिवर सिरप को खाने से पहले और डाइजेस्टिव को खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कॉन्स्टिपेशन भी एक कॉज है जिसके कारण पेट में दर्द रहता है, तो इसके लिए जैसे मैम ने बताया अमूल्य रस वो बेस्ट है, तो सुबह और शाम को उसको गुनगुने पानी के साथ 25 से 30 ml जरूर लें, और अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन जरूर करवाएं जिसके आपकी प्रॉब्लम फोकस हो सकता है। जी मैम, जो अगला सवाल है वो इलाहाबाद से एक डिस्ट्रीब्यूटर का है, वो बोल रहे हैं कि मैंने पेशेंट को यूनिट्स ऑफ 2 यूरिटोन दिया था जिससे यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है वो उनकी कम तो हुई है लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? देखिए पहले तो यूरिक एसिड का डिपोजिशन मींस एक्सेस ऑफ प्रोटीन होता है, जब आप क्योंकि प्रोटीन बचपन में भी खाते हैं वो ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन कुछ स्टेज के बाद वही प्रोटीन की मात्रा अगर खाई जाए तो हमारे जोड़ों में वो यूरिक एसिड के रूप में जमा हो जाती है, तो एक्सेस ऑफ प्रोटीन वन ऑफ द रीजन है। लेकिन सिर्फ यूरिटोन देने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जोड़ों से हमने यूरिक एसिड की जो गांठें हैं वो तो अलग कर ली लेकिन वो पूरे शरीर में घूम रही हैं, तो उनको निकालने के लिए हमें और मेडिकेशन भी चाहिए। साथ साथ में आप उसको फ्लेक्स दीजिए एक सुबह एक शाम को, और जिन जिन जहां से यूरिक के जो क्रिस्टल्स हैं वो अलग हुए वहां पे शोथ यानी इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स में, तो वहां पे अमृता तुलसी ऐड कीजिए, और पेशेंट के हिसाब से आप एनर्जी जेड भी दे सकती हैं या कैल्शियम भी दे सकते हैं या आप इनको शिला असर रसायन भी दे सकते हैं, और इसके लिए फर्दर आप डॉक्टर ऑन कॉल पे जरूर कॉल कर सकते हैं, और साथ साथ में आप अगर कोई आपकी प्रीवियस रिपोर्ट है तो वो भी हमें भेज सकते हैं। जी मैम, अगला जो सवाल है वो है पाइल्स से रिलेटेड, मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग भी होती है और कभी कभी मैं मस्से को भी फील कर सकता हूँ, इसका क्या कारण है और इसको कैसे रोका जा सकता है, इससे कैसे राहत मिलेगी? देखो पाइल्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल पाइल्स होते हैं उनको बाहर से फील नहीं किया जा सकता और उनका सोल्यूशन सिर्फ सर्जरी है, और जो एक्सटर्नल पाइल्स है जैसे आपके केस में बताया वो मस्सा है, तो मस्सा जो फील कर सकते हैं। इसके लिए आपका जो खान पान है वो जिम्मेदार है, आपकी लॉन्ग सिटिंग जिम्मेदार है, आपका फ्लूइड इंटेक है जो पानी की मात्रा कम मात्रा ले रहे हैं वो भी एक कारण है, और स्ट्रेस भी है। इसलिए जो आप जो आपको कॉन्स्टिपेशन है वो भी एक रीजन है। सो आपको कवर अप करने के लिए आप पाइल्स कैप्सूल ले सकते हैं सुबह शाम, साथ साथ में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन सीवियर है तो अमूल्य रस भी लेंगे आप सुबह और शाम को गुनगुने पानी के साथ, और अगर आपको मस्सा फील होता है तो आप पाइल्स ऑइंटमेंट का भी प्रयोग करेंगे, अच्छे से साफ करने के बाद 2 बार उसको अप्लाई करना है। साथ साथ में अगर पेन ज्यादा है तो आपको हॉट सिर्फ बात यानी गर्म पानी के टब में भी बैठने का प्रबंध करना होगा ताकि पेन कम हो जाए और जो फूली हुई रक्तवाहिनियां वो सिकुड़ जाए और अपनी नॉर्मल पोजिशन पे आ जाए, और इसके साथ साथ आप फ्रेशर लेक्स पाउडर का भी यूज कर सकती हैं। सो कारण को रिमूव करना है, उसके साथ साथ फ्लूइड इंटेक की मात्रा भी बढ़ानी है, और याद रखें फाइबर फूड जरूर खाएं, कोशिश करें जितने भी आप फल फ्रूट खाएं उनको छिलके के समेत खाएं ताकि कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल रूट आउट हो सके। जी मैम, जो हमारा अगला सवाल है वो है पैरालिसिस में ज़ेरावीन का क्या रोल है और क्या शुगर पेशेंट को हम ज़ेरावीन दे सकते हैं? जैसे अभी मैम रेखा मैम ने बताया कि जो पैरालिसिस है उसमें हम ज़ेरावीन दे सकते हैं, क्योंकि ज़ेरावीन की जो कॉम्पोजिशन है उसमें मुस्की है, उसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, जो और अन्य भी द्रव्य हैं जो हर्ब्स हैं
ये सभी हर्ब्स सब एक दूसरे के इफेक्ट को मल्टीप्लाई करती हैं। तो जो पैरालिटिक केसेस हैं उसमें क्या होता है कि जो मसल होता है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो स्टिफ हो जाता है, यानी कि उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। उस इलास्टिसिटी को रिस्टोर करने के लिए हम ज़ारावीन देंगे ताकि वहां पे रक्त का प्रभाव बढ़ जाए, साथ साथ में इलास्टिसिटी रिस्टोर हो जाए, जो मसल सेल्स हैं, जो डैमेज हो चुके सेल्स हैं उनकी रिपेयर हो जाए और जो डेड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करके नए सेल्स आ जाए। इसलिए ज़ारावीन देना बहुत जरूरी है। जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें हम ज़ारावीन कैप्सूल देंगे, 3 की मात्रा में भी देंगे, खाने के बाद देंगे। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है कैप्सूल लेंगे, सिरप नहीं लेंगे। सिरप हम बच्चों को भी देते हैं 5 साल से बाद, जैसे मैम ने बताया कि हाफ हाफ टीसीएफ दे सकते हैं। सो पैरालिटिक केसेस में ज़ारावीन का रोल बहुत अहम है। जी मैम, जो अगला सवाल है वो है, मेरी उम्र 48 साल की है और मुझे हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम से इफेक्टेड हूँ, इसमें क्या मैं गो लाइफ ले सकती हूँ? देखिए 48 के इयर्स मतलब आप मीनोपॉज की तरफ बढ़ रही हैं। मीनोपॉज यानी कंप्लीट स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। जब ये हार्मोनल चेंजेस होती हैं तो आपके शरीर में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और बहुत सारी चेंजेस आते हैं, जिसमें पैल्पिटेशंस भी बढ़ जाती है, आपको फटीग थकावट भी रहेगी, शरीर भी टूटेगा, तो कई सिम्टम्स हैं। उसमें आपको गो लाइफ बहुत सही है। इसमें गो लाइफ में जितने भी जैसे बताया गया है इंग्रेडिएंट्स है, मोरिंगा है, वो आपके हार्मोनल इंबैलेंस उसको बैलेंस करेगा। और साथ में इसमें मक्का है, ब्लूबेरी है, साथ में मशरूम है, ये आपकी फटीक को, थकान को, सबको खत्म करेंगे। साथ साथ में आपको जो फ्यूचर में होने वाली जो कार्डियक प्रॉब्लम्स है या कैंसर की संभावनाएं हैं उनको खत्म करेंगे। सो गो लाइफ आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। एक सुबह, एक शाम को और अमूल्य रस साथ में लें खाली पेट 2 बार, ये बिल्कुल सेफ रहेगा आपके लिए। इसलिए आप इसको रेगुलर यूज करें। जी सर, अच्छा।